मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था, फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए।